मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुधवार को गीता जयंती पर विश्व रिकॉर्ड बना। बता दें कि भोपाल के मोतीलाल स्टेडियम में 5,000 आचार्यों और प्रतिभागियों ने गीता का सामूहिक पाठ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राज्य के मंत्री, विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। तो वही राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहली बार 5,000 से अधिक आचार्यों ने गीता के तीसरे अध्याय यानी कि कर्म योगा का पाठ किया। बता दें कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एजुकेट विश्वनाथ ने विश्व रिकॉर्ड की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी सौंपा गया। पर्यटन केंद्रों पर श्रीमद् भगवत गीता रखे जाने की भी घोषणा की गई और इस कार्यक्रम में ही मुख्यमंत्री ने जनकल्याण पर्व का भी शुभारंभ किया। हर आचार्य और प्रतिभागी को हाथ में एक बैंड पहनाया गया था। इस बैंड में एक QR कोड है, उसी QR से पाठ करने वाले प्रतिभागियों की काउंटिंग हुई। इस गीता पाठ में बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हुई हैं। बता दें कि इस कार्यक्रम में गुना के श्री परशुराम संस्कृत वेद विद्या गुरुकुल कुंभ राज्य से 40 बटुक शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह कहा है कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से सरकार ने गीता जयंती के अवसर पर यह बड़ा आयोजन किया है। इस बात की प्रसन्नता है, हमारे संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से सरकार ने गीता जयंती के पावन अवसर पर ये आज बड़ा आयोजन किया, जिसमें 5,000 विद्यार्थियों ने यहाँ गीता पाठ का भव्य आयोजन हुआ है और साथ ही साथ उज्जैन में भी इसी समय इसी प्रकार से आयोजन हुआ है। हमने लगभग 5 दिन का ये पूरा उत्सव मनाया, जिसमें स्कूल और कॉलेज के बच्चों के माध्यम से पवित्र गीता जी के श्लोकों के ऊपर अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिता हुई, उसमें सिलेक्शन हुआ और सभी लोगों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं। पवित्र गीता वो ग्रंथ है जिसके माध्यम से दुनिया के बड़े से बड़े क्रांतिकारी, बड़े से बड़े विद्वान ने अपने अपने ढंग से उसका अध्ययन करके जीवन की अपने मार्ग की लाइन तय की। महात्मा गांधी जी से लगा करके बाल गंगाधर तिलक तक सबने उसकी व्याख्या की है, अलग से उनके ग्रंथ उपलब्ध है। विश्व के स्वनाम धन्य अलग अलग विद्वानों ने इसमें से मार्ग ढूंढा है। मेरी अपनी ओर से गीता जयंती के अवसर पर यह बड़ा आयोजन, हमारी सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर दो जो आयोजन हमने किए हैं, एक हमने अपना पखवाड़ा जो जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 15 दिन की सभी योजनाओं के लिए उत्सव धर्मिता से मनाए जाने के निर्णय किए, एक तरफ 40 दिन का घर घर जाकर के आपकी सरकार आपके द्वार के तरह से नीचे जाकर के जनता के बीच सरकार की जनहितैषी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को देने का अभियान चलाया जाएगा। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। इस बात की प्रसन्नता है, हमारे संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से नवद्रष्टे जगत्मनः।